हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टार्टिंग द न्यू टॉपिक दैट इज़ द मेंडेलिज्म। जेनेटिक्स में अपन ने इससे पहले मेंडेलियन वर्क जो था, उससे पहले का वर्क जो हुआ था और कुछ बेसिक बातें जो थी उनके बारे में अपन ने डिस्कस किया। जैसे कुछ हेरिडिटी से रिलेटेड थ्योरीज थी, उनको अपन ने डिस्कस किया। फिर वेरिएशंस के टाइप्स और फिर जेनेटिक्स में काम में आने वाली टर्मिनोलॉजी। अब इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो क्या है, मेंडेलियन वर्क, यानी कि मेंडेलियन जो प्रिंसिपल्स हैं इनहेरिटेंस के, उनको अपन डिस्कस करेंगे, या मेंडेलियन जेनेटिक्स भी अपन इसको कह सकते हैं। तो मेंडेलिज्म आज अपना टॉपिक है। मेंडेलिज्म का मतलब क्या बेटा, वर्क डन बाय मेंडल, मेंडल ने जो काम किया, ठीक है। तो मेंडल ने हाइब्रिडाइजेशन या जेनेटिक्स के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स किए, उसके लिए उसने ही सिलेक्टेड सेवन करेक्टर्स, या मैं यूं कह दूं सेवन पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स फॉर हिज स्टडी, ठीक है ना, किसके, ऑफ गार्डन पी। यानी कि उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए गार्डन पी के सात कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स को लेकर के अपने एक्सपेरिमेंट किए, यानी कि उनको लेकर के उन्होंने स्टडीज की, और उन स्टडीज के आधार पे जो रिजल्ट्स आए उनको उन्होंने लॉज के रूप में और कंक्लूजन के रूप में दिया, जिनका हमें जेनेटिक्स में क्या मिला है, फायदा मिला है, ठीक है। तो ये जो सात करेक्टर्स उन्होंने स्टडी किए थे, किससे, कौन से प्लांट के ऊपर, गार्डन पी, जिसका नाम क्या है, पाइसम सटाइवम, ठीक है ना, बॉटेनिकल नेम, ठीक है। उसके जो सात करेक्टर्स थे वो एस ब्लिक्स्ट, एक साइंटिस्ट है, उन्होंने बताया कि मेंडल के द्वारा ये जो सात करेक्टर लिए गए, इनके जो क्रोमोजीन्स हैं, जीन्स ऑफ सेवन करेक्टर्स जो है वो प्रेजेंट ऑन या लोकेटेड ऑन फोर क्रोमोजोम्स, चार क्रोमोजोम्स पे उपस्थित हैं। अब ये मतलब क्या हुआ इसका, देखिए जो गार्डन पी है उसके अंदर बेटा 2n = 14 होता है, तो n इज इक्वल टू हैप्लोइड संख्या कितनी हो जाएगी, 7, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 क्रोमोजोम उसके अंदर हैं। हैप्लोइड में, तो डिप्लोइड में कितने हो गए, 7 और 7 के 2 सेट, एक सेट किसी भी पर्टिकुलर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाले डिप्लोइड ऑर्गेनिज्म को किससे मिलता है, फादर से, और एक सेट किससे मिलता है, मदर से। तो ये जो क्रोमोजोम्स हैं, डिप्लोइड कितने हो गए, 7 और 7 14, यानी 7 एंड 7, 2n = 14 एंड n = 7, ये सभी क्रोमोजोम्स आपस में क्या हैं, होमोलोगस, ठीक है। तो यहां पे उन्होंने, ब्लिक्स ने बताया कि जो इन्होंने सात करेक्टर लिए थे अपनी स्टडी के लिए, उनके जो जीन्स हैं वो कहां पे प्रेजेंट हैं, इन सात में से चार जीन्स क्रोमोजोम्स के पेयर पे, सात में से चार क्रोमोजोम्स के पेयर पे, क्योंकि करेक्टर तो और भी बहुत है। पहले तो उन्होंने, याद हो तो आपको, 34 करेक्टर्स को शॉर्टलिस्ट किया था, कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स को, फिर शॉर्टलिस्ट किया था उनमें से 22 को, और फाइनली उन्होंने कितने करेक्टर्स को लेकर के स्टडी की, सात करेक्टर्स को। तो ये जो सात करेक्टर्स थे उनमें जो उनके जो जीन थे या फैक्टर थे वो कौन कौन से क्रोमोजोम्स पे उपस्थित थे, फर्स्ट पे 2 करेक्टर्स के, फोर्थ पे 3 करेक्टर्स के जीन प्रेजेंट थे, फिफ्थ पे 1 करेक्टर का जीन उपस्थित था, और सेवंथ पे भी 1 करेक्टर का जीन उपस्थित था। तो देखिए कितने हो गए, 3, 2, 5, 6, 7 7 करेक्टर्स हो गए। पहले क्रोमोजोम के ऊपर जो जीन्स उपस्थित थे, कौन कौन से करेक्टर्स के उपस्थित थे, सीड कलर एंड फ्लोवर कलर, सीड कलर
फ्लावर कलर, तो वो सातों करेक्टर भी अब आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है ना। फोर्थ के ऊपर कौन कौन से थे, एक तो था बेटा लेंथ ऑफ प्लांट का जीन, ठीक है, दूसरा जो था फ्लावर पोजीशन का, और तीसरा जो था शेप ऑफ पॉड का, फ्लावर पोजीशन, शेप ऑफ पॉड, इन तीन करेक्टर के जीन कौन से क्रोमोजोम पे उपस्थित थे, फोर्थ पे, ठीक है। फिफ्थ के ऊपर पॉड कलर, फली जो है उसके रंग से संबंधित जीन, और सेवंथ जो है उसके ऊपर सीड शेप, तो ये सात करेक्टर लेकर के उन्होंने स्टडी की थी, और इन प्रत्येक करेक्टर की दो दो ट्रेट हैं, यानी कि पेयर बन जाएगा कॉन्ट्रास्टिंग, ठीक है ना। ये इधर मैंने टिक किया, इसका मतलब इन्हीं क्रोमोजोम्स के ऊपर ये जीन उपस्थित नहीं है, मां से आने वाले पहले क्रोमोजोम पे भी ये दोनों जीन उपस्थित होंगे, चौथे पे ये तीनों उपस्थित होंगे, पांचवे पे ये एक उपस्थित होगा, सातवें पे एक उपस्थित होगा, यानी कि इन क्रोमोजोम्स के ऊपर जैसे जीन उपस्थित हैं वैसे ही इनके ऊपर भी उपस्थित हैं, ये ध्यान में रखना। इसीलिए तो इनको अपन होमोलोगस क्रोमोजोम कह रहे हैं, यानी कि एक डिप्लोइड ऑर्गेनिज्म के अंदर क्रोमोजोम्स के दो सेट होते हैं, और दोनों सेट एक दूसरे के क्या होते हैं, होमोलोगस, अर्थात स्ट्रक्चरली और फंक्शनली वो कैसे होते हैं, सेम होते हैं, ये अपने को ध्यान में रखना, ठीक है ना। तो इसीलिए अपन ये कह सकते हैं कि फोर पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स के ऊपर ये जीन उपस्थित है, ठीक है ना, कौन से, जिनकी स्टडी मेंडल ने की, इज दिस क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट हमें ये पता होना चाहिए कि उन्होंने क्या क्रॉस करवाए थे और उनको उस क्रॉसेज के क्या रिजल्ट मिले थे, जिसके आधार पे फिर रूल्स दिए गए, लॉज दिए गए जेनेटिक्स से रिलेटेड। तो ये सेवन करेक्टर्स हो गए। अब जैसे सीड कलर है, इसके दो रूप हो गए कॉन्ट्रास्टिंग, एक तो क्या हो गया येलो, एक क्या हो गया ग्रीन। फ्लावर कलर के अंदर वायलेट हो गया, एक क्या हो गया वाइट। तो प्रत्येक के दो दो कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म है जिनको लेकर के उन्होंने क्रॉस करवाई। तो मेंडल के द्वारा जो क्रॉस करवाए गए वो कौन से थे, उनको अपन एक टेबल के द्वारा समझते हैं, ठीक है। ये है सीरियल नंबर, दिस इज करेक्टर, उस करेक्टर का जीन कौन से क्रोमोजोम नंबर पे है, क्रोमोजोम नंबर, देन क्रॉस डोमिनेंट और रेसेसिव, प्योर डोमिनेंट और प्योर रेसेसिव के बीच में, फिर डोमिनेंट प्रोजेनी, रेसेसिव प्रोजेनी एंड रेशियो, फाइनली ये अपन एक टेबल बनाते हैं। कितने करेक्टर लिए उन्होंने, सेवन करेक्टर्स, सात करेक्टर लेकर के उन्होंने स्टडी की। तो पहले कौन कौन से करेक्टर्स हैं वो अभी अपन ने डिस्कस किया था। उन सात करेक्टर में सबसे पहले अपन ले लेते हैं लेंथ ऑफ प्लांट, ठीक है, लेंथ ऑफ प्लांट। सेकंड अपन ले लेते हैं फ्लावर की पोजीशन, पोजीशन ऑफ फ्लावर। तीसरा अपन ले लेते हैं पॉड कि जो शेप है फली का, आकार, शेप ऑफ पॉड, ठीक है। ये तीनों करेक्टर जो हैं थोड़ी देर पहले अपन ने डिस्कस किया है कि इनके जो जीन हैं वो कौन से क्रोमोजोम पे उपस्थित हैं, फोर्थ फोर्थ फोर्थ, ठीक है। नेक्स्ट अगला उन्होंने जो लिया वो पॉड कलर ले लेते हैं अपन, पॉड कलर फली का रंग, और पॉड कलर वाला जीन जो है वो कौन से क्रोमोजोम पे उपस्थित होता है, फिफ्थ क्रोमोजोम पे, इज दिस क्लियर। नेक्स्ट पॉड कलर के बाद में सीड की शेप, ठीक है, सीड शेप, ये कौन से पे, सेवंथ क्रोमोजोम पे। उसके बाद नेक्स्ट सीड कलर,
और फ्लोवर कलर। फर्स्ट क्रोमोजोम जो है उसके ऊपर इनके जीन उपस्थित होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्रॉस जो उन्होंने करवाया, लेंथ ऑफ प्लांट जो है उसका जो जीन है उसको अपन एक सिंबल टी के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो जो प्योर टॉल प्लांट होगा उसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल टी से, और जो प्योर ड्वार्फ होगा वो उसको स्मॉल टी से, ठीक है। पोजीशन ऑफ फ्लावर जो है उसमें डोमिनेंट स्थिति जो फ्लावर की पोजीशन की होती है वो होती है एग्जाइल। एग्जाइल का मतलब क्या है, जैसे ये दो ब्रांच निकल रही है, ये एक लीफ और एक ब्रांच, और इसके बीच में जो जगह है वहां से फ्लावर निकले तो उसको एग्जाइल बोलते हैं। और अगर किसी ब्रांच के टॉप पे फ्लावर उपस्थित हो तो फिर उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल। तो एग्जाइल जो कंडीशन है वो कैसी है, डोमिनेंट है, ठीक है। तो ए प्योर वो प्लांट हो गया जिसके अंदर फ्लावर की पोजीशन कैसी है, एग्जाइल, और स्मॉल ए वो हो गया जिसके अंदर कैसी है, टर्मिनल, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया उन्होंने। शेप ऑफ पॉड, एक तो फली जो है पॉड है वो लंबी हो सकती है एलोंगेटेड, और एक श्रिंक्ड हो सकती है सिकुड़ी हुई। तो उसको प्योर प्लांट विद एलोंगेटेड पॉड II, और जिसमें श्रिंक्ड होगी वो स्मॉल आई। पॉड कलर, फली का जो रंग है तो डोमिनेंट है ग्रीन कलर, और रेसेसिव है कैसा, येलो। फिर सीड शेप, डोमिनेंट है बेटा राउंड और रेसेसिव है रिंकल्ड। सीड कलर, डोमिनेंट येलो और रेसेसिव होता है कैसा, ग्रीन। फ्लोवर कलर, फ्लोवर कलर का मतलब वायलेट जो होगा वो तो डोमिनेंट होगा, जिसको कैपिटल सी वो प्लांट जो होमोजाइगस है किसके लिए, वायलेट फ्लोवर के लिए, वो क्या है, डोमिनेंट। और जो रेसेसिव है वो कैसा होगा, उसके फ्लोर कैसे होंगे, वाइट। तो उन्होंने प्योर टॉल का प्योर ड्वार्फ से क्रॉस करवाया, प्योर एलोंगेटेड सॉरी एग्जाइल फ्लोर पोजीशन वाले का टर्मिनल प्योर से करवाया। ये प्योर का प्योर से है, एक अपने करेक्टर के लिए डोमिनेंट करेक्टर के लिए प्योर है, तो दूसरा कैसा, रेसेसिव करेक्टर के लिए क्या है, प्योर है। उनके बीच में जब उन्होंने क्रॉस करवाया तो उनको जो प्रोजेनी मिली F2 जनरेशन में, क्योंकि आप यहां पे एक चीज ध्यान में रखना, F1 जनरेशन में तो जितनी भी प्रोजेनी मिली उनको वो सारी डोमिनेंट करेक्टर वाली मिली। क्यों मिली ये आगे अपन डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन F2 जनरेशन में, F2 जनरेशन का मतलब क्या है यहां पे, जैसे इस पौधे का इस पौधे से क्रॉस करवाया, इन दोनों प्लांट के बीच में क्रॉस करवाया, तो पहली जो जनरेशन थी उसके अंदर जो प्लांट मिलेगा वो क्या मिलेगा, Capital T Small T। तो कैपिटल टी यानी कि डोमिनेंट करेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, तो डोमिनेंट करेक्टर क्या है, टॉल। तो जितने भी पौधे बनेंगे वो क्या बनेंगे, टॉल। लेकिन F1 के अंदर जो प्लांट हैं उनका आपस में क्रॉस करवाया जाए, यानी कि Capital T Small T प्लांट का Capital T Small T प्लांट से क्रॉस करवाया जाए, तो अब जो जनरेशन प्राप्त होगी वो क्या कहलाएगी, F2। तो F2 जनरेशन के अंदर क्या मिला उनको, जो डोमिनेंट करेक्टर वाले थे टॉल वो 787, और जो रेसेसिव करेक्टर वाले थे वो 277 प्लांट मिले, ठीक है ना। ये मिले कैसे ये भी आप समझ लो थोड़ा सा, कैपिटल टी प्लांट है, स्मॉल टी प्लांट है, इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया। क्रॉस का मतलब एक प्लांट के पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट की स्टिग्मा पे ट्रांसफर किए, पोलिनेशन हुआ, पोलिनेशन के बाद में फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद में सीड बने, जायगोट, एम्ब्रियो और सीड, जितने भी सीड मिले उनको बोया, तो सभी प्लांट कैसे थे, टॉल। अब इन सभी प्लांट में से आपस में इनका क्या करवाया, क्रॉस करवाया, ठीक है ना, किसका, यानी कि इनमें सेल्फ पोलिनेशन करवाया इनमें, F1 के साथ। तो अब जो जनरेशन मिली, अब जो सीड मिले उनको बोया, तो कौन से पौधे तैयार होंगे, F2 के अंदर उनको क्या मिले, डोमिनेंट करेक्टर वाले भी मिले और रेसेसिव वाले भी। डोमिनेंट करेक्टर वालों की संख्या ज्यादा थी और रेसेसिव वालों की संख्या क्या थी, कम थी, वो अभी अपन रेशियो निकालेंगे, ठीक है। इस करेक्टर के लिए जब उन्होंने क्रॉस करवाया तो उनको 651 तो वो मिले जिनके अंदर फ्लावर की पोजीशन कैसी थी, एग्जाइल,
और 207 ऐसे मिले जिनके अंदर कैसी थी, टर्मिनल। सेपोपोड के लिए जब इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया तो F2 जनरेशन के अंदर AT2 तो कैसे मिले जिनके अंदर पोड कैसा था, एलोंगेटेड, और 299 उनको कैसे मिले जिनके अंदर पोड कैसा था, श्रिंक्ड था। ठीक है, इस करेक्टर के लिए पोड कलर के लिए जब उन्होंने क्रॉस करवाया तो उनको 428 डोमिनेंट करेक्टर वाले यानी कि ग्रीन पोड वाले मिले, और दूसरे जो प्लांट थे वो जिनके अंदर श्रिंक्ड येलो कलर की क्या थी, फली थी या पोड था, वो कितने मिले, 152। सीड सेप के लिए जब उन्होंने क्रॉस करवाया तो 5474 ऐसे प्लांट बने जिनके अंदर क्या था, सीड कैसा था, अपने कह सकते हैं राउंड, ठीक है, और 1850 ऐसे थे जिनके अंदर कैसा था, रिंकल्ड। सीड कलर के लिए जब उन्होंने क्रॉस करवाया तो F2 जनरेशन के अंदर उनको 6022 कैसे मिले जिनके अंदर सीड का कलर कैसा था, येलो, और 2001 कैसे मिले जिनके अंदर सीड का कलर कैसा था, ग्रीन, यानी कि रेसेसिव। फ्लोर कलर के लिए उन्होंने जब क्रॉस करवाया तो 705 वायलेट फ्लोर वाले और 224 224 उनको कौन से मिले जिनके अंदर कैसा था, वाइट फ्लोर। ठीक है, तो ये F2 जनरेशन के अंदर उनको मिलने वाली जो प्रोजेनी थी उनकी संख्या मिली। जब उन्होंने डोमिनेंट और रेसेसिव प्रोजेनी के बीच में रेशियो निकाला तो पहले में उनको 2.84 रेशियो 1, दूसरे में 3.14 रेशियो 1 मिला, ये जो रेशियो निकालोगे तो आप, तीसरे के अंदर 2.94 रेशियो 1, तीसरे चौथे के अंदर इस क्रॉस के अंदर 2.82 आएगा, 2.82 रेशियो 1, फिफ्थ के अंदर 2.96 रेशियो 1, सिक्स्थ के अंदर 3.01 रेशियो 1, एंड लास्ट के अंदर 3.15 रेशियो 1। तो एवरेज अगर अपन इनका निकालें तो ये आता है 2.98 डोमिनेंट करेक्टर वाले और एक कैसा रेसेसिव, 2.98 नियर अबाउट 3, तो ये रेशियो क्या हो गया, 3:1। इज दिस क्लियर? तो 3:1 उनको F2 जनरेशन के अंदर जब उन्होंने प्योर डोमिनेंट और प्योर रेसेसिव करेक्टर वाले प्लांट का आपस में क्रॉस करवाया तो इन सातों करेक्टर्स के लिए लगभग उनको डोमिनेंट और रेसेसिव के बीच में जो रेशियो प्राप्त हुआ F2 जनरेशन में वो कितना प्राप्त हुआ, 3:1। ठीक है, अब देखिए इन सभी करेक्टर्स के लिए लगभग एक जैसे रिजल्ट मिलने का रीजन क्या था, ये ईश्वर की दया थी, आप ये मान लीजिए कि मेंडल ने जिन करेक्टर्स को लेकर के अपनी स्टडी की उन करेक्टर्स को कंट्रोल करने वाली जो जीन थी उनके बीच में इंटरेक्शन नहीं था। कारण जैसे फोर्थ क्रोमोजोम के ऊपर कितनी जीन उपस्थित हैं, 3, तो इनके बीच में दूरी बहुत अच्छी थी, दूरी ज्यादा होगी तो लिंकेज नहीं होगा। तो मेंडल ने जिन करेक्टर्स को लेकर के स्टडी की उनके जो जीन्स थे उनके बीच में दूरी अच्छी थी, यानी कि दे आर प्रेजेंट फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, दे हैविंग ए बेटर डिस्टेंस, उनके बीच में क्या थी, अच्छी डिस्टेंस थी। ठीक है ना, एक्सेप्शनली आप ये छोड़ दीजिए जो हाइट और जो दूसरा पॉड शेप वाला, हाइट एंड पॉड शेप वाला जो करेक्टर है, ये रहा लेंथ ऑफ प्लांट और शेप ऑफ पॉड, इनको कंट्रोल करने वाली जो जीन थी उनके बीच में थोड़ी दूरी क्या थी, कम थी, लेकिन फिर भी उनके बीच में लिंकेज नहीं थी। तो ये अच्छी बात थी उनके लिए कि जिन 7 करेक्टर्स को लेकर के उन्होंने स्टडी की उनके जीन्स जो थे दे आर प्रेजेंट या लोकेटेड फार अपार्ट ऑन द क्रोमोजोम। इज दिस क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट, सीड कोट कलर का जो जीन है, सीड कोट कलर जीन और फ्लोवर कलर का जो जीन है, ये फ्लोवर कलर है और ये सीड कलर है, इनका जो जीन है वो एक ही जीन है जो दो करेक्टर्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है। सच टाइप ऑफ द जीन्स जो सीड कोट कलर और दूसरा क्या, फ्लोवर कलर, यानी कि एक जीन लेकिन कितने करेक्टर्स को कंट्रोल करता है, दो को, तो ऐसे जीन जो होते हैं उनको प्लियोट्रॉपिक जीन बोलते हैं। व्हाट वी कॉल देम, प्लियोट्रॉपिक जीन।
ठीक है ना, ए जीन विच कंट्रोल्स मोर देन वन करेक्टर, एक से अधिक करेक्टर को कंट्रोल करता है। तो सीड कोड कलर और फ्लोवर कलर को कंट्रोल करने वाला जो जीन था वो कैसा था, प्लियोट्रोपिक जीन, ठीक है ना। प्लियोट्रोपिक जीन का डेफिनेशन मैंने क्या बताया, जीन विच कंट्रोल्स मोर देन वन करेक्टर, ठीक है ना, एक से अधिक करेक्टर की इनहेरिटेंस को, एक्सप्रेशन को क्या करता हो, कंट्रोल करता हो। तो ये 7 करेक्टर्स लिए उन्होंने, ये जो आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और इनके सिंबल्स भी आपको ध्यान में रहने चाहिए कि कौन सा सिंबल किसके लिए, सेपोपोड के लिए क्या यूज करते हैं आप, आई, ठीक है ना, डोमिनेंट के लिए कैपिटल और रेसेसिव के लिए क्या करते हैं, स्मॉल, ठीक है। तो ये सिंबल्स भी याद में रहने चाहिए और जो रेशियो उनको मिला प्रत्येक क्रॉस के लिए, और फाइनली जो रिजल्ट एफ टू पी डी के अंदर उनको मिला जनरेशन में, वो क्या मिला, हर करेक्टर के लिए 3:1 प्राप्त हुआ। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट, आगे अपन चलते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो सीड रिंकल्ड बनते हैं उनके रिंकल्ड बनने के पीछे रीजन क्या है। तो देखिए, जो सीड रिंकल्ड बनते हैं उनके अंदर शुगर फ्री फॉर्म में ज्यादा पाई जाती है स्टार्च के तुलना में, ठीक है ना। कारण, रिंकल्ड सीड बनने के पीछे रीजन है, इन सीड्स के अंदर एक एंजाइम नहीं बनता जिसको बोलते हैं स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम, शॉर्ट में बोल देते हैं SBE, ठीक है। और ड्यू टू लैक ऑफ दिस, इन सीड्स के अंदर क्या होगा, शुगर फ्री फॉर्म में ज्यादा होगी तुलना में किसके, स्टार्च के, ठीक है। तो स्टार्च ग्रेन्यूल्स जो है वो एक्यूमुलेट नहीं हो पाएंगे, और एक्यूमुलेट नहीं हो पाएंगे तो क्या होगा, सीड जो होगा वो रिंकल्ड होगा, यूं झुरीदार होगा, ठीक है ना। और अगर SBE एंजाइम होगा तो सीड कैसा होगा, राउंड होगा, ठीक है। तो ये SBE एंजाइम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो रिंकल्ड सीड है उनके बनने के पीछे रीजन क्या है। तो यू आंसर क्या होगा, अब्सेंस ऑफ स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम, ठीक है। नेक्स्ट, और वो स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम क्यों नहीं बनता है, क्योंकि देखिए सीड की शेप को कंट्रोल करने वाला जो जीन है R, तो वो डोमिनेंट अवस्था में होगा तब तो SBE बनेगा। और अगर वो स्मॉल R, यानी कि किसी पौधे के पास माँ से और बाप से दोनों से उसमें कौन सा आ गया, स्मॉल R, तो SBE नहीं बनेगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट अपन ले रहे हैं, मेंडल के द्वारा किस टेक्निक का उपयोग किया गया अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स के लिए। तो अपन वैसे डिस्कस पहले थोड़ा सा इसके बारे में कर चुके हैं जब अपन टर्मिनोलॉजी की बात कर रहे थे। तो मेंडल के द्वारा जो टेक्निक यूज की गई उसके दो पार्ट थे, आपको ध्यान में होगा। एक पार्ट था बेटा इमेस्क्यूलेशन, और दूसरा था बैगिंग, ठीक है। इमेस्क्यूलेशन किसे कहते हैं, रिमूवल ऑफ एंथर इन यंग स्टेज फ्रॉम फ्लोवर, ठीक है ना। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए पी प्लांट के अंदर सेल्फ पोलिनेशन पाया जाता है, तो अगर फ्लोवर के अंदर एंथर बाइसेक्सुअल फ्लोवर होता है तो इसका मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गाइनोसियम यानी कि कार्पिल और स्टेमन दोनों होंगे। तो अगर ये मैच्योर हो जाएंगे, एडल्ट अवस्था में आ जाएंगे, तो इन एंथर्स के पोलन ग्रेन इसके ऊपर ही क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स के लिए करना क्या होता है, भाई आप क्रॉस करवा रहे हो किस प्लांट का किस से, कैपिटल टी वाले का स्मॉल टी से। तो ये प्लांट मान लो कैपिटल टी है, तो इसी प्लांट के पोलन ग्रेन इसी के ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे, तो T पोलन ग्रेन बनेगा यहाँ पे, तो ठीक है ना। लेकिन अगर आपको दूसरे प्लांट के पोलन ग्रेन ट्रांसफर करवाने हैं तो इसमें सेल्फ पोलिनेशन को रोकिए, और सेल्फ पोलिनेशन को रोकने का तरीका क्या है कि आप इसके एंथर्स को हटा दीजिए यंग स्टेज में, ठीक है। अब क्या होगा देखिए, जैसे ये ए प्लांट जिसका जीनोटाइप क्या है कैपिटल टी, और ये बी प्लांट जिसका जीनोटाइप क्या है स्मॉल टी, ये ए प्लांट का फ्लोवर है और ये
बी प्लांट का फ्लोवर है और आप चाहते हो ए और बी के बीच में क्रॉस करवाया जाए, ठीक है ना। नेचुरली तो क्या होता है, ए के पोलन ग्रेन ए की स्टिग्मा पे, बी के पोलन ग्रेन बी की स्टिग्मा पे चले जाते हैं। इन्होंने इमेस्कुलेशन करवा दिया, तो इमेस्कुलेशन का मतलब यंग स्टेज में इनके एंथर्स को हटा दिया, तो पोलन ग्रेन नहीं बनेंगे, ठीक है। अब देखिए बी के पोलन ग्रेन्स को इसके ऊपर ट्रांसफर करवा दिया, तो डिजायर्ड क्रॉस हो गया या नहीं हो गया, या फिर बी के हटा दिए तो ए वाले बी पे ट्रांसफर करवा दिए, ठीक है। तो इसके लिए फिर दूसरा काम क्या किया जाए, जब आप एंथर हटा दो तो किसी और दूसरे फ्लोवर के पोलन ग्रेन आ सकते हैं रेंडमली, जिनके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करो, इमेस्कुलेशन के बाद में बैगिंग, बैगिंग का मतलब इस फ्लोवर को कवर कर दो किसी पॉलीथीन से, ठीक है, और फिर डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स को यहां पे क्या कर दो, ट्रांसफर कर दो। जैसे इस प्लांट के बी प्लांट के पोलन ग्रेन्स को आपने यहां पे क्या कर दिया, ट्रांसफर। तो अब कोई दूसरा जो फ्लोवर है बैगिंग करने के बाद में दूसरे किसी फ्लोवर के एयर के द्वारा या किसी भी मीडियम से इस स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन नहीं आएंगे। जिन पोलन ग्रेन्स को आप ट्रांसफर करवाना चाहते हो उनको आप करवा सकते हो। तो इमेस्कुलेशन और बैगिंग जो है ना, ये जो एक प्रोसेस थी जिसके तहत उन्होंने अपने क्रॉस किए थे। इज दिस क्लियर। अब अपन मेंडेलियन जो क्रॉस हैं उनकी अपन बात करेंगे, जो उन्होंने करवाए थे और उनके रिजल्ट्स की बात करेंगे। मेंडेलियन क्रॉस ले रहे हैं अपन, जिनमें एक एक करके अपन लेंगे। सबसे पहले लेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, सिंपल है बहुत ही, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या बेटा, ऐसे क्रॉस जिनके अंदर आपने वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर लिया है क्रॉस करवाने के लिए। तो क्रॉस विद वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स, वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर, ठीक है। यानी कि इस प्रकार के जो क्रॉस होते हैं उनके अंदर वी विल कंसीडर इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल जीन, एक जीन की इनहेरिटेंस की स्टडी उन्होंने की, यानी कि एक करेक्टर को कंट्रोल करने वाली जीन जो है उसके इनहेरिटेंस को उन्होंने कंट्रोल किया या उसकी स्टडी की, ठीक है। समझने के लिए आप देखिए, समझें, करेक्टर उन्होंने ले लिया मान लो लेंथ, ठीक है, तो लेंथ का वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर क्या हो गया, टॉल एंड ड्वार्फ। तो एज ए पेरेंट उन्होंने लिया किसको, टॉल प्लांट, उसका क्रॉस करवाया उन्होंने किसके साथ, ड्वार्फ, ठीक है। टॉल प्लांट है, उसका जीनोटाइप क्या होगा बेटा, प्योर टॉल है, प्योर टॉल, और ये प्योर ड्वार्फ, कैपिटल टी कैपिटल टी, और इसका क्या होगा, स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक है। अब यहां पे गैमिट जो बनेंगे, तो गैमिट जब बनते हैं तो कौन सा डिवीजन होता है, मियोसिस, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम या जीन जो है वो क्या हो जाएगा, हाफ। तो यहां पे क्या बनेगा, कैपिटल टी, और यहां पे क्या बनेगा, स्मॉल टी, ये क्या बन गए, गैमिट, ठीक है। नेचुरली इनमें क्या पाया जाता है, सेल पोलिनेशन, लेकिन इमेस्कुलेशन और बैगिंग टेक्निक के द्वारा ये करवा क्या रहे थे, क्रॉस पोलिनेशन। यानी कि एक प्लांट के पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट की स्टिग्मा पे इन्होंने ट्रांसफर करवाए, तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा पैदा होने वाली संतति में, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये कौन है, पहली संतति है, फर्स्ट फिलीलियल जनरेशन बोलते हैं, फर्स्ट फिलीलियल जनरेशन, एफ वन जनरेशन, और वो क्या बनी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इस जनरेशन के अंदर जब उन्होंने देखा कि ये जो प्लांट बने ये सारे कैसे थे, टॉल हैं, तो हाइब्रिड लेकिन हैं कैसे, टॉल, एफ वन जनरेशन में। तो यहां पे उनका दिमाग जो है वो क्या हुआ, क्लिक हुआ कि जो संतति बन रही है, प्रोजेनी बन रही है, उसके अंदर दोनों फैक्टर के दोनों रूप आ रहे हैं, ठीक है ना, डोमिनेंट रूप भी आ रहा है और रिसेसिव रूप भी आ रहा है, यानी कि दोनों पेरेंट्स हैं, दोनों रूप आ रहे हैं, लेकिन फिर भी करेक्टर जो है वो डोमिनेंट एक्सप्रेस हो रहा है, या जो एक्सप्रेस हो रहा है वो डोमिनेंट है, यानी कि एवरेज नहीं आया। पहले वाली जो इनहेरिटेंस की थ्योरीज थी वो
याद है तो आपको अपन ने क्यों रिजेक्ट किया था, वो ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस या मिक्स्ड इनहेरिटेंस को सपोर्ट कर रही थी। उनका कहना यह था कि दोनों का कैरेक्टर एवरेज रूप में रिप्रेजेंट होगा, लेकिन यहाँ पे जब मेंडल ने इसकी स्टडी की तो यहाँ पे क्या देखा कि F1 जनरेशन के अंदर जितने भी प्लांट बने 100% कैसे थे, टॉल थे। अब उसके बाद में उन्होंने F2 जनरेशन प्राप्त की सेल्फिंग के द्वारा, यहाँ पे तो क्रॉस पोलिनेशन, अब क्या करवाया उन्होंने, सेल्फिंग। ठीक है, सेल्फिंग का मतलब क्या बेटा, इस प्लांट का इसी प्लांट से क्या करवाया, क्रॉस करवाया। तो देखिए इनको जो प्रोजेनी मिली वो क्या मिली, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी, ये प्रोजेनी इनको प्राप्त हुई। कौन सी जनरेशन के अंदर, F2 जनरेशन के अंदर। ठीक है, F2 जनरेशन के अंदर कैसे, देखिए ये क्रॉस मैं यहां पे दिखा रहा हूं, कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस किससे, कैपिटल टी स्मॉल टी से। तो यहां पे गैमेट बने कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां पे भी क्या बने कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये देखिए पहला कैपिटल टी, दूसरा कैपिटल टी स्मॉल टी, तीसरा कैपिटल टी स्मॉल टी और चौथा स्मॉल टी, इज दिस क्लियर। तो 1 2 1 इस जीनोटाइप वाले वन प्लांट, इस जीनोटाइप वाले टू और इस जीनोटाइप वाले वन, ये मिले। ये दोनों ही कैसे हैं, चूंकि इसके पास दोनों डोमिनेंट जीन हैं और इसके पास एक डोमिनेंट है, तो ये दोनों तीन कैसे हैं, एक और दो कैसे हैं डोमिनेंट, और ये एक कैसा है रेसेसिव, यानी कि 3:1, 3 डोमिनेंट करेक्टर वाला और एक रेसेसिव करेक्टर वाला उनको प्राप्त हुआ। ठीक है, तो यहां पर ये जो 3:1 में तीन कैसे हैं टॉल और एक कैसा है ड्वार्फ। ठीक है, अब इन क्रॉस का एनालिसिस करने के लिए हम एक पुनेट स्क्वायर मेथड को भी यूज करते हैं। पुनेट स्क्वायर मेथड क्या है, देखिए F1 जनरेशन के अंदर ये जो अपने को प्लांट मिला कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, जिसकी अपन क्या करवा रहे हैं सेल्फिंग, तो पुनेट स्क्वायर रिंगिनाल्ड, अगर आपको पूरा नाम उनका ध्यान में रखना हो तो रिंगिनाल्ड सी पुनेट, सी पुनेट ने जो रिजल्ट्स हैं उनका एनालिसिस करने के लिए स्क्वायर मेथड दिया, जिसमें हॉरिजॉन्टली यहां पे अपन क्या करते हैं मेल के गैमेट्स को रखते हैं, तो यहां पे मेल के गैमेट क्या बनेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, और वर्टिकली फीमेल के रखते हैं तो वो फीमेल के भी क्या बनेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि सेल्फिंग करवा रहे हो ना, तो वही बात है। अब देखिए यहां पे क्रॉस करवाइए आप कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, कौन सी जनरेशन है ये, F2 जनरेशन। F1 तो ये थी यहां पे, और अब F1 से आपने क्या प्राप्त कर ली सेल्फिंग के द्वारा F2। ठीक है, इस जनरेशन में आपको क्या मिल रहा है, तीन प्लांट कैसे टॉल बाहर से देखने पर, और एक कैसा ड्वार्फ, और बाहर से जो दिखाई देता है उसको अगर रेशनली रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या कहलाता है फिनोटाइप। तो जो फिनोटाइप मिला वो क्या मिला 3:1। ठीक है, जीनोटाइप क्या मिला, एक प्लांट ऐसा है जिसकी जीन स्ट्रक्चर क्या है कैपिटल टी, दो ऐसे हैं जिनका जीन स्ट्रक्चर क्या है कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक ऐसा है जिसका क्या है स्मॉल टी। तो जो जीनोटाइप प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ 1:1। ठीक है, अब ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाने के बाद में जब उनको ये रिजल्ट्स मिले F1 के अंदर तो सारे कैसे प्लांट टॉल, जबकि क्रॉस करवाया था टॉल और ड्वार्फ के बीच में, तो या तो बीच का पैदा होना चाहिए था या फिर टॉल और ड्वार्फ दोनों होने चाहिए थे, लेकिन केवल कौन से पैदा हुए टॉल प्लांट। और फिर F2 जब उन्होंने प्राप्त की सेल्फिंग के द्वारा, तो उन्होंने देखा कि जो रेसेसिव करेक्टर था ड्वार्फ नेस वाला वो रीअपियर हुआ, ये देखिए रीअपियर हुआ, तो इनके ऊपर उनका ध्यान गया। तो फिर इस मोनो हाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट्स को देख करके उन्होंने कुछ पोस्टुलेशंस अवधारणाएं कंक्लूजन्स दिए जो आगे जाकर के रूल्स या लॉज में कन्वर्ट हुए। वो क्या थे उनकी अपन बात करते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस के जो रिजल्ट्स थे उनके आधार पे मेंडल ने
तीन पोस्टुलेशंस दिए, तीन कंक्लूजन दिए। क्या रिजल्ट थे? फिनोटाइप क्या था एफ टू पीडी का? 3:1। और जीनोटाइप क्या था? 1:1। कौन सी पीडी का? एफ टू का। एफ वन का फिनोटाइप क्या था? 100% सारे कैसे थे? टॉल। और जीनोटाइप भी क्या था? 1, यानी कि सबका जीनोटाइप क्या था? कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, इन रिजल्ट्स को देख करके उन्होंने जो कंक्लूजन दिए उनमें पहला कंक्लूजन क्या था? कंक्लूजन फर्स्ट विच वॉज गिवन बाय द मेंडल, उन्होंने कहा कि ईच करेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय द पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर्स। प्रत्येक लक्षण, ईच करेक्टर कंट्रोल्ड बाय पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर्स। प्रत्येक लक्षण को यूनिट फैक्टर्स का एक पेयर जो है वो क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक है ना, जैसे कोई भी प्लांट यहां पे बना उसके अंदर या तो क्या था? कैपिटल टी या क्या था? कैपिटल टी स्मॉल टी या क्या था? स्मॉल टी स्मॉल टी। तो पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर, ठीक है ना, और उस पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर के अंदर भी वो दोनों फॉर्म कैसी हैं? कुछ प्लांट्स के अंदर अपन वो दोनों अपने को उस पेयर के अंदर दोनों जो जीन हैं या जीन के दोनों रूप हैं वो अलग अलग दिखाई देते हैं, एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव। तो पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर के द्वारा प्रत्येक करेक्टर क्या हो रहा है? कंट्रोल हो रहा है। तो करेक्टर कंट्रोल्ड बाई यूनिट्स विच आर कॉल्ड द फैक्टर एंड फैक्टर अकर इन ए पेयर। ठीक है ना, सिंपली अगर अपन कहें करेक्टर कंट्रोल्ड बाई ए यूनिट क्या कहलाती है? वो फैक्टर। और ये फैक्टर किस में पाया जाता है? इन पेयर। तो इसका मतलब करेक्टर कंट्रोल्ड बाई द पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर्स, पहला कंक्लूजन था ये। ठीक है ना, नेक्स्ट जो दूसरा कंक्लूजन उन्होंने दिया वो क्या दिया? कंक्लूजन नंबर टू। पहला तो कौन सा हो गया? पहला कंक्लूजन क्या हो गया बेटा? पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर्स वाला, द कंक्लूजन फर्स्ट। ठीक है, सेकंड कंक्लूजन जो था, दैट वाज द डोमिनेंस, डोमिनेंस। सेकंड कंक्लूजन डोमिनेंस का था। डोमिनेंस का मतलब क्या है? उन्होंने क्या कहा कि एफ वन जनरेशन के अंदर जो प्रोजेनी पैदा हुई उन प्रोजेनी के अंदर दोनों प्रकार के फैक्टर के फॉर्म थे, यानी कि फैक्टर की दोनों फॉर्म थी, लेकिन फिर भी जो प्लांट्स बने या प्रोजेनी बने उनके अंदर केवल एक ही फॉर्म क्या हुई? एक्सप्रेस हुई, दोनों ने होकर के एक ही फॉर्म, यानी कि एफ वन के अंदर कैपिटल टी भी आ रहा था और स्मॉल टी भी आ रहा था, यानी कि दोनों पेरेंट्स जो थे उनसे क्या मिला? उसको फैक्टर मिला। ठीक है ना, और पेयर बना फैक्टर्स का, लेकिन दोनों फैक्टर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, केवल एक ने अपने आप को एक्सप्रेस किया। तो जिसने अपने आप को एक्सप्रेस किया वो डोमिनेंट कहलाया, और जो डोमिनेंट की प्रेजेंस में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया वो क्या कहलाया? रेसेसिव। ठीक है, तो अपन इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इन एफ वन जनरेशन में दोनों फॉर्म ऑफ यूनिट फैक्टर प्रेजेंट हैं, लेकिन उनमें से एक्सप्रेस कोई एक करती है, और जो एक्सप्रेस करती है वो क्या कहलाती है? डोमिनेंट। उसको कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, और जो नहीं कर पाती है वो क्या कहलाती है? रेसेसिव। ठीक है, तो अब उन्होंने कंक्लूजन क्या दिया कि द फैक्टर विच इज अनेबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट विल बी कॉल्ड द रेसेसिव, एंड द फिनोमिनॉन इन विच व्हाट इज एक्सप्लेन्ड इन प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट द रेसेसिव इज अनेबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इज कॉल्ड द डोमिनेंसी या डोमिनेंस। यानी कि डोमिनेंट की प्रेजेंस में रेसेसिव का एक्सप्रेस करने में असफल होना, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाना क्या कहलाता है? डोमिनेंस कहलाता है। तो दैट वाज द कंक्लूजन नंबर सेकंड। इज दिस क्लियर कि दो डिफरेंट यूनिट फैक्टर प्रेजेंट हैं
प्लांट के अंदर, लेकिन फिर भी उनमें से एक उस इंडिविजुअल में कोई एक क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, जो कर रहा है वो डोमिनेंट, जो नहीं कर पा रहा है वो रेसेसिव। हम उनको व्यक्त कैसे कर देंगे, डोमिनेंट को कैपिटल लेटर के द्वारा और रेसेसिव को स्मॉल लेटर के द्वारा। तो डोमिनेंट की प्रेजेंस में रेसेसिव का एक्सप्रेस नहीं कर पाना क्या कहलाएगा, दैट फिनोमिनन विल बी कॉल्ड द डोमिनेंस, उसको अपन क्या कहेंगे, डोमिनेंस। ये दोनों कंक्लूजन जो है, पहला और दूसरा, पहला कौन सा पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर्स और दूसरा कौन सा डोमिनेंस, इनको मिला करके मेंडल का फर्स्ट लॉ दिया गया, फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस। और वो क्या कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस, इन प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट फैक्टर द रेसेसिव फैक्टर विल नॉट या कांट एक्सप्रेस इटसेल्फ। ठीक है, और ये जो फर्स्ट लॉ है इसके एक्सेप्शंस अपने को मिले हैं, और इसके एक्सेप्शंस अगर आपसे पूछे जाएं तो आप ध्यान में रखना, एक्सेप्शंस ऑफ फर्स्ट लॉ एक तो कौन सा बेटा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जो आगे अपन पढ़ेंगे, बस अभी के लिए याद रखें इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एक तो ये ध्यान में रखें, और दूसरा जो ध्यान में रखें कोडोमिनेंस, ये आपके ब्लड ग्रुप से रिलेटेड है, ठीक है ना। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है वो मिराबिलिस जलापा के अंदर अपन पढ़ेंगे आगे, लेकिन ये दो इवेंट ऐसे हैं जो लॉ ऑफ डोमिनेंस को ब्रेक करते हैं, यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंदर जो कहा गया है कि डोमिनेंट की प्रेजेंस में रेसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, उस बात को ये तोड़ते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इनको एक्सेप्शन कहते हैं, तो ये दो एक्सेप्शन अपने को मिले हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो इन्होंने कंक्लूजन दिए वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के कौन सी प्रोजेनी के को देख करके दिए, F1 को। अब F1 से उन्होंने कौन सी प्राप्त की थी, F2, और F2 जब उन्होंने प्राप्त की तो उन्होंने क्या देखा कि वो करेक्टर वापस रिकवर हो गया है, जो करेक्टर खो गया था कहां, F1 के अंदर, कौन सा, ड्वार्फनेस वाला, ठीक है। तो इन्होंने फिर क्या किया, F2 के जो रिजल्ट्स थे उनको देख करके फिर नेक्स्ट कंक्लूजन निकाला, और वो कंक्लूजन था कंक्लूजन नंबर थर्ड एंड दैट कंक्लूजन इज कॉल्ड कंक्लूजन ऑफ सेग्रीगेशन या पोस्टुलेशन ऑफ सेग्रीगेशन, कंक्लूजन ऑफ सेग्रीगेशन या प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, ठीक है ना। क्या था इसमें, देखिए अभी अपन ने बात की थी कि उनको F2 जनरेशन के अंदर अपन ने जब क्रॉस किया तो अपन ने क्या देखा कि जो प्लांट प्राप्त हुए उनमें 75% प्लांट कैसे प्राप्त हुए, टॉल, लेकिन 25% उनको कैसे मिले, टॉल के साथ ड्वार्फ प्लांट भी मिले, ठीक है। तो टॉल के साथ ड्वार्फ का वापस F2 जनरेशन में रिप्रेजेंट होना किसी न किसी बात का संकेत था या कोई कंक्लूजन था, और उसको उन्होंने पहचाना, किसने, मेंडल ने, और उनको उसको पहचान करके ही उन्होंने अपना सेकंड लॉ दिया था। फर्स्ट लॉ तो कौन सा हो गया, लॉ ऑफ डोमिनेंस, और सेकंड लॉ जो था वो कौन सा है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। तो ये जो कंक्लूजन उनको मिला था वो कंक्लूजन क्या था, ठीक है, उस कंक्लूजन को अपन क्या बोल रहे हैं, दो नाम से आपसे पूछा जा सकता है, कंक्लूजन ऑफ सेग्रीगेशन और प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। कंक्लूजन नंबर कौन सा था, थर्ड। तो फर्स्ट कंक्लूजन इज नॉट द फर्स्ट लॉ, सेकंड कंक्लूजन इज नॉट द सेकंड लॉ, ये ध्यान में रखना। फर्स्ट और सेकंड कंक्लूजन के बाद में उन्होंने कौन सा लॉ बनाया था, फर्स्ट लॉ, या अपन सही मायने में कहें तो सेकंड कंक्लूजन फर्स्ट लॉ है और थर्ड कंक्लूजन जो है वो सेकंड लॉ ऑफ मेंडल कहलाता है, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना। तो सेकंड जो था कंक्लूजन ऑफ सेग्रीगेशन वो उन्होंने क्या दिया कि एफ वन से, F1 ये था याद हो तो आपको, F2 जनरेशन के लिए क्या बनते हैं, गैमेट। तो डोमिनेंट फैक्टर और रेसेसिव फैक्टर वापस एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स फ्रॉम F1 फॉर F2 जनरेशन, डोमिनेंट एंड रेसेसिव फैक्टर्स विल सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, इज दिस क्लियर। एंड व्हेन दे विल गेट चांस
अब देखिए सुनिए आगे, एंड व्हेन दे विल गेट द चांस, क्या दैट द रेसेसिव फैक्टर विल फ्यूज विद द, या द गैमेट विद द रेसेसिव फैक्टर विल फ्यूज द गैमेट विद द रेसेसिव फैक्टर, देन व्हाट विल अराइज, होमोजाइगस कंडीशन। और एफ टू जनरेशन में अगर ऐसा मौका मिलता है कि वो गैमेट जिसके अंदर रेसेसिव फैक्टर है वो वैसे ही दूसरे गैमेट से जिसमें रेसेसिव फैक्टर उसके साथ फ्यूज करता है, तो कौन सी कंडीशन आती है, होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन आएगी। और होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन आएगी तो वो करैक्टर वापस क्या हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा और प्लांट कैसा बन जाएगा, ड्वार्फ। क्योंकि रेसेसिव डोमिनेंट की प्रेजेंस में ही तो एक्सप्रेस नहीं कर पाता, लेकिन अगर रेसेसिव और रेसेसिव दोनों एक साथ आ जाते हैं तो होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि प्लांट कैसा बनेगा, ड्वार्फ। तो अपन ने देखा था अभी क्रॉस के अंदर कि जब आप सेल्फिंग करवा रहे हैं, सेल्फिंग का मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी वाले प्लांट का क्रॉस किसके साथ, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले के साथ। तो यहां पे देखिए दो प्रकार के गैमेट बने, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां पे कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। यानी कि 50% गैमेट ये बने, 50% गैमेट ये बने, इससे भी 50% गैमेट ये बने और 50% गैमेट ये बने, यस और नॉट। अब देखिए रैंडम मेटिंग का मतलब क्या है, इस प्लांट से बनने वाले ये गैमेट, ये जो गैमेट है इन दोनों से प्रोबेबिलिटी है फ्यूज होने की, इससे भी फ्यूज हो सकता है, क्या बना सकता है, कैपिटल टी कैपिटल टी, इससे हो सकता है तो क्या बनाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इसके साथ फ्यूज हो सकता है तो क्या बनाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, लेकिन ये भी चांस है ये इसके साथ फ्यूज होगा तो क्या बनाएगा, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ये जो तीनों प्लांट हैं ये कौन से करैक्टर वाले होंगे, पहले तीनों डोमिनेंट वाले यानी कि टॉल, लेकिन ये एक जो है इसमें क्या हुआ, रेसेसिव और रेसेसिव साथ आ गए तो टॉल बनने का तो कोई चांस ही नहीं है, कि टॉलनेस के लिए जो जीन है कैपिटल टी वो तो इसमें है ही नहीं, तो प्लांट कैसा बनेगा, ड्वार्फ। तो ड्वार्फनेस जो एफ वन जनरेशन में खो गई थी वो वापस आ गई या नहीं आ गई, ऐसा हुआ किसके कारण, ऐसा इसलिए हुआ कि एफ वन जो थे उनसे ये एफ टू बनने के लिए जब गैमिट बने तो डोमिनेंट और रेसेसिव एक दूसरे से क्या हो गए, अलग हो गए, और इनका अलग होना क्या कहलाता है, सेग्रीगेशन। इज दिस क्लियर। दूसरा जो नाम दिया गया प्योरिटी ऑफ गैमिट्स वो क्यों दिया गया, कि देखिए यहां पे अपन ने क्या देखा कि एफ वन जनरेशन जब बनी तो डोमिनेंट फैक्टर के साथ कौन आ गया, रेसेसिव, डोमिनेंट के साथ रेसेसिव, और एफ टू के लिए जब गैमिट बने तो डोमिनेंट और रेसेसिव एक दूसरे से क्या हो गए, अलग। लेकिन इस प्लांट के अंदर तो इस जनरेशन में तो डोमिनेंट के साथ रेसेसिव रहा या नहीं रहा, तो डोमिनेंट के साथ रहते हुए रेसेसिव ने अपनी प्योरिटी को, अपने करेक्टर को, अपने ट्रेट को, अपने फॉर्म को, यानी कि अपने लक्षण को खोया नहीं, कंटामिनेट नहीं हुआ वो। कंटामिनेट होने का मतलब क्या है, कि जैसे दो स्टूडेंट हैं एक क्लास में, एक बहुत अच्छा है और एक खराब प्रवृत्ति का है, तो जो अच्छा है वो खराब वाले के साथ सीट पे बैठता है, इज दिस क्लियर। तो अच्छा और जो खराब है उसमें से जो अच्छा है वो खराब के साथ रहते हुए खराब नहीं हो और वो अपनी अच्छाई को बना करके रखे, तो इसका मतलब उसने अपनी प्योरिटी को बना करके रखा है, इज दिस क्लियर। या अपन मैं दूसरे एग्जाम्पल के रूप में आपको कहूं कि जब मौका मिला उस अच्छे को अपना करेक्टर शो करने का, यहां पे मिला ना, जब वो अच्छा दूसरे अच्छे से मिला तब उसको मौका मिला तो उसने अपनी अच्छाई दिखाई, तो मौका मिला तो उसने अपने करेक्टर को क्या किया, एक्सप्रेस किया, ठीक है। उस समय तक जब वो उसके साथ रहा बुरे के साथ, तो उसने अपने करेक्टर को बना करके रखा, बचा करके रखा, कारण वो अपने करेक्टर के लिए क्या था, प्योर था। तो प्रत्येक जो गैमिट बना है वो अपने करेक्टर के लिए, जिस करेक्टर को वो रिप्रेजेंट करता है उसके लिए क्या है, प्योर है। प्योर है तभी तो वो जब मौका मिला उसको होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन में आने का, तब उसने अपने आप को क्या किया, एक्सप्रेस किया। दूसरे एग्जाम्पल से समझ लीजिए आप कि एक चोर है जिसका करेक्टर है चोरी करना, और उसको आपने पकड़ा, पुलिस ने पकड़ा और जेल में डाल दिया, और जेल में रहते हुए उसने ये शो किया कि वो बहुत ही अच्छा है सही है। कुछ दिनों बाद में उसके कार्यों को देख करके उसको छोड़ दिया गया,
लेकिन जो ही वो जेल से छुट करके आया तो उसका जो करेक्टर था ना चोरी करना, उसको उसने वापस एक्सप्रेस कर दिया, क्योंकि बाहर आकर के वो बाकी के साथियों से मिला और उसने वापस वही करेक्टर शो कर दिया। तो उसको अपन क्या बोल देंगे फिर, इसका मतलब उसने अपने करेक्टर को की जो प्योरिटी थी उसको बना करके रखा। तो ऐसे ही माना कि डोमिनेंस के कारण F1 जनरेशन के अंदर रेसेसिव करेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, लेकिन F2 जनरेशन जब प्राप्त की गई तब रेसेसिव को रेसेसिव गेमिट के साथ फ्यूज होने का मौका मिला, तो उसने अपने करेक्टर को क्या किया, एक्सप्रेस किया, यानी कि डोमिनेंट के साथ रहते हुए रेसेसिव कंटामिनेट नहीं हुआ, दूषित नहीं हुआ, उसने अपने करेक्टर की प्योरिटी को बना करके रखा। दैट्स वाई उसको अपन क्या कह रहे हैं, प्योरिटी ऑफ गेमिट्स। और सेग्रीगेशन क्यों कह रहे हैं, F1 से F2 PD प्राप्त करते समय जब गेमिट्स बन रहे हैं तो डोमिनेंट और रेसेसिव फैक्टर एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, और F2 जनरेशन के अंदर हमें दोनों करेक्टर देखने को मिलते हैं, यानी कि लॉस्ट करेक्टर इज गोइंग टू बी रिकवर्ड। ठीक है, जो करेक्टर नहीं आया था F1 जनरेशन में, नहीं देखने को मिला था, वो वापस अपने को क्या है, देखने को मिल रहा है। तो ये सेग्रीगेशन का जो कंक्लूजन था, इसको फिर सेकेंड लॉ कह दिया गया मेंडल का, क्या, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमिट्स। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे पूछा जा सकता है कि सेकेंड लॉ का कोई एक्सेप्शन है क्या, तो सेकेंड लॉ जो मेंडल का है उसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये ध्यान में रखना, नो एक्सेप्शन। ठीक है, कुछ जो पर्टिकुलर अपन ये कह सकते हैं कि डिस्कवरीज हैं या जेनेटिक्स के वर्क हैं, उनमें ये कहा जाता है कि नॉन डिसजंक्शन एक घटना है, उसके कारण सेकंड जो लॉ है उसमें उसके जो रिजल्ट्स हैं उनके अंदर अपने को कोई डाइवर्जन देखने को मिल सकता है, एक्सेप्शन आ सकता है। तो देर मे बी द एक्सेप्शन ड्यू टू द, मे बी बोल रहा हूँ मैं, नॉन डिसजंक्शन। ठीक है ना, नॉन डिसजंक्शन का मतलब क्या है समझ लीजिए थोड़ा सा। नॉन डिसजंक्शन की घटना होने के चांस कब हैं, चांसेस ड्यूरिंग द मियोसिस, मियोसिस के समय। तो अगर ऑप्शन में ये दे ही दे कि मे बी नॉन डिसजंक्शन इज एक्सेप्शन ऑफ सेकेंड लॉ, ठीक है, तो थोड़ा इसको अपन स्वीकार कर सकते हैं इस स्टेटमेंट को। वैसे कोई वेल प्रूव्ड क्या नहीं है, एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन नॉन डिसजंक्शन की घटना अगर हो जाती है तो हो सकता है कि रिजल्ट्स आपके चेंज हो जाएं F2 जनरेशन के। तो देखिए, गैमिट जब बनते हैं तो ये अपन सब जानते हैं कि एट द टाइम ऑफ गैमिट फॉर्मेशन क्या होता है, मियोसिस होता है। ठीक है ना, गैमिट बनने के लिए जो डिवीजन का टाइप है वो है ही कौन सा, मियोसिस। गैमिट फॉर्मेशन के समय डिवीजन का टाइप क्या है, मियोसिस है, हम जानते हैं ये बात। ठीक है, अब देखिए, मियोसिस जब होगी तो होमोलोगस क्रोमोजोम्स के बीच में, मियोसिस आपने पढ़ा है, क्या होगा, जैसे ये सेल है, ठीक है ना, और इसके अंदर ये डिप्लोइड संख्या है क्रोमोजोम की। तो मियोसिस जब होगी तो एक घटना होती है, होमोलोगस क्रोमोजोम्स जो हैं उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर, याद होगा आपको, ये क्रॉसिंग ओवर, ये DNA डुप्लीकेट हो गया, सेल डिवीजन से पहले डुप्लीकेट होता है या नहीं होता, सेल साइकिल के अंदर जो इंटरफेज है उसमें, और ये क्या हो रहा है बेटा, क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर होने के बाद ये जो क्रोमोजोम्स हैं वो एक दूसरे से क्या हो गए, सेपरेट हो गए, और ये वो पार्ट है जो इन्होंने क्या किया है, एक्सचेंज किया है। अब ये जो क्रोमोजोम्स हैं नेक्स्ट फेज में क्या होगा, इनके सेंट्रोमियर डिवाइड होंगे और ये वो क्रोमोजोम्स हैं जिन्होंने एक्सचेंज किया है, ठीक है ना, ये अलग अलग हो गए, और उसके बाद में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, कितनी सेल बन जाएंगी, चार। तभी तो अपन ने कहा था ना, जैसे ये मान लो कि ये क्या है,
स्पर्मेटोसाइट सेल है, तो एक स्पर्मेटोसाइट सेल से कितने स्पर्म बन गए, 1, 2, 3, 4, ठीक है। यहां पे सेंट्रोमियर का जो डिवीजन होना है वो कहलाता है डिसजंक्शन, अलग अलग होना, अब ठीक है ना। और इनको कौन करवा रहा है वो डिसजंक्शन, याद होगा आपको, स्पाइनल फाइबर्स, ठीक है ना, अपने अपने पोल्स की ओर लेकर के जा रहे हैं। इसको यूं समझ जाओगे आप, ये जैसे ये है, तो इधर वाला पोल खींच रहा है और इधर वाला पोल खींच रहा है, तो दो क्रोमोजोम इधर आ गए और दो उधर चले गए, ठीक है ना, और फिर एक एक हो जाएंगे मियोसिस सेकंड में। नॉन डिसजंक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, कि जैसे यहां पे ये घटना, एक तो ये घटना हो जाए, एक इधर आ गया और एक ये इधर आ गया, ये इधर वाला इधर चला गया और एक इधर चला गया, ठीक है, एक तो ये बात हो जाए। दूसरा ये हो कि ये सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं हो, तो एक ही तरफ चला जाएगा या नहीं चला जाएगा, तो एक सेल जो होगी उसमें कितना क्रोमोजोम आएगा, फिर एक ही आएगा इधर वाले में, ठीक है ना। कारण सेंट्रोमियर का डिवीजन नहीं हुआ, तो क्या नहीं हुआ, डिसजंक्शन नहीं हुआ, और डिसजंक्शन नहीं होने का मतलब क्या कहलाएगा, नॉन डिसजंक्शन, व्हाट वी कॉल दैट, नॉन डिसजंक्शन। तो ऐसी स्थिति में जो गैमिट बनेंगे वो कैसे बनेंगे, एक तो बनेंगे एन प्लस वन, यानी कि जिनमें क्रोमोजोम्स की संख्या एक ज्यादा होगी, और एक बनेंगे एन माइनस वन, यानी कि जिनमें एक क्रोमोजोम की संख्या क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जब गैमिट्स जो बन रहे हैं वो यूजुअल टाइप के नहीं बन रहे हैं, वो कैसे बन रहे हैं, अनयूजुअल टाइप के बन रहे हैं, तो फिर रिजल्ट्स भी क्या हो सकते हैं, चेंज होंगे, ठीक है ना। गैमिट्स बनने का पैटर्न ही क्या हो गया है, डिस्टर्ब हो गया है, तो ऐसी स्थिति में रिजल्ट भी क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। तो वहां पे अपन ये देख सकते हैं कि क्या हो, कि जो जो सेकंड लॉ है उसके अंदर अपने को डाइवर्जन देखने को मिल सकता है। इसको आप समझ गए हैं क्या, या दूसरे एक एग्जांपल से और समझाऊं आपको, चलो एक बार और समझाता हूं आपको, ठीक है ना। पी प्लांट को लेकर के समझा देते हैं, जैसे ये एक पेरेंट है, ठीक है, और ये दूसरा पेरेंट है। अब इसके पास ये जीन उपस्थित है ए और बी, तो होमोलोगस क्रोमोजोम के ऊपर यहां पे भी क्या होंगे, ए और बी, प्योर प्लांट है, यहाँ पे भी मान लो स्मॉल ए स्मॉल बी, तो होमोलोगस क्रोमोजोम पे प्योर प्लांट होगा, तो सेम जीन फॉर्म होगी जीन की। अगर कैसा हो, हाइब्रिड होता तो क्या होता, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, लेकिन ये कैसा है, प्योर हैं, तो दोनों माँ और बाप दोनों से क्या मिले हैं, डोमिनेंट इसको, और इसको माँ से भी रेसेसिव मिले और बाप से भी क्या मिले हैं, रेसेसिव। अब इसमें जब गैमिट बनेंगे तो यहाँ पे क्या गैमिट बनेगा बेटा, ए और बी, दूसरा भी जो गैमिट बनेगा, क्योंकि गैमिट बनेंगे तो हाफ हो जाएगा ना, मियोसिस से कोई चेंज नहीं आना है। आप कहोगे कैसे, अरे बी का बी से ही एक्सचेंज होगा इनके, और इसमें भी स्मॉल बी का स्मॉल बी से, तो यहां पे भी जो दो गैमिट बनेंगे वो क्या बनेंगे, स्मॉल ए स्मॉल बी, और इधर स्मॉल ए स्मॉल बी, ठीक है। अब इनका आपस में फ्यूजन होगा, पेरेंट एक्स और पेरेंट वाई दोनों के बीच में क्रॉस हो रहा है, तो जो संतति बनेगी उसमें क्या होगा बेटा, कैपिटल ए कैपिटल बी, और इधर से क्या आया, स्मॉल ए स्मॉल बी, ठीक है। अब ये जो F1 है इससे अपन कौन सी पीढ़ी प्राप्त कर रहे हैं, F2। F1 का जीनोटाइप क्या है, ध्यान से देख लीजिए, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी। अब इससे क्या बनेंगे, गैमिट बनेंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी। सेल्फिंग करवा रहे हैं तो दूसरा पेरेंट जो होगा वो भी कैसा होगा, ऐसा ही होगा, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी, ठीक है। अब इनसे क्या बनने हैं, गैमिट बनने हैं, तो गैमिट बनेंगे तब क्या होगा, देखिए मियोसिस होगी, दोनों में से किसी भी एक तरफ देख लीजिए, मियोसिस होगी, तो देखिए ये डीएनए डुप्लीकेट हुआ, कैपिटल ए कैपिटल ए सेल डिवाइड कर रही है, उसे पहले अपने डीएनए को डुप्लीकेट कर रही है, दूसरा भी हुआ स्मॉल ए स्मॉल बी
स्मॉल ए स्मॉल बी, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्रॉसिंग ओवर हुई, तो क्रॉसिंग ओवर के बाद में कौन सी कंडीशन आ जाएगी, कैपिटल बी की जगह पे क्या आ जाएगा स्मॉल बी, और स्मॉल बी की जगह पे क्या चला जाएगा कैपिटल बी। इज दिस क्लियर? बोलिए। अब गैमिट वन बनेंगे तो ये देखिए सेंट्रोमियर डिवाइड होगा, तो सेंट्रोमियर डिवाइड होगा तो ए और बी दूसरे में, कैपिटल ए स्मॉल बी तीसरे में, स्मॉल ए कैपिटल बी चौथे में, स्मॉल ए स्मॉल बी, ये चार गैमिट बन गए, जिसमें ये और ये गैमिट तो पेरेंटल टाइप के हैं, पहले भी थे ना ऐसे कैपिटल ए कैपिटल बी और स्मॉल ए स्मॉल बी, पहली बार में जब क्रॉस शुरू किया था, ये नए प्रकार बने, पहले ऐसे गैमिट नहीं थे। तो ये जो घटना हुई है इसमें सेंट्रोमियर का डिवीजन हो गया, तो वो कौन सी हो गई, डिसजंक्शन। अब दूसरी स्थिति बता रहा हूं कि ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो, यानी कि सेंट्रोमियर का डिवीजन नहीं हो, तो क्या स्थिति होगी फिर, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए स्मॉल बी, और ये दोनों अलग हो गए, यहां पे डिसजंक्शन हो गया, स्मॉल ए और स्मॉल बी। अब जो गैमिट बने वो कितने बने, तीन। तो इस गैमिट की जो स्थिति है उसमें क्या है, कौन सी कंडीशन आ गई, कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी है और कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी भी है, लेकिन यहां पे क्रोमोजोम की संख्या एक की बजाय कितनी है, देखिए ये दूसरा क्रोमोजोम यहां पे अटैच है ये, तो ये कौन सी स्थिति होगी, एन प्लस वन, और बीच में एक बना ही नहीं ना, तो वो जीरो हो गया, यानी कि एन मान लो एक था तो एन माइनस वन यानी कि जीरो हो गया, और ये एन और ये भी एन, तो ये एन प्लस वन किसी के साथ फ्यूज करेगा, मान लो इस गैमिट के साथ फ्यूज करता है तो स्थिति क्या बनेगी, ए ए कैपिटल बी स्मॉल बी और दूसरा क्या है स्मॉल ए कैपिटल बी, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में इस बी को किस अवस्था में आने का मौका नहीं मिला है, होमोजाइगस अवस्था में आने का मौका नहीं मिला है स्मॉल बी को, तो ऐसे में रिजल्ट क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। क्लियर और नॉट? मान लो कि इससे भी करता तब भी होमोजाइगस कंडीशन में आने का मौका नहीं मिला, क्योंकि देखो ये कैपिटल बी यहां पे प्रेजेंट है, तो ये कैपिटल बी जब तक प्रेजेंट रहेगा स्मॉल बी के करेक्टर को क्या नहीं होने देगा, एक्सप्रेस नहीं होने देगा, यानी कि इस गैमिट का इससे फ्यूजन करवा लो चाहे इससे करवा लो, क्या होगा, रिसेसिव का करेक्टर क्या नहीं हो पाएगा, एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा। तो और यही डर बताया था उन्होंने कि ये नॉन डिसजंक्शन जो है वो पैदा कर सकता है क्या, डिफरेंस पैदा कर सकता है रिजल्ट्स में, और बाकी कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। थैंक यू।